तो पिछली क्लास में हम कहाँ तक पहुँचे गए थे डिसिप्लिन पे, उसको थोड़ा सा रिपीट करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमने ये बात कही थी कि डिसिप्लिन क्या होता है। आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ करना चाहते हैं, सही है, जो आपके ड्रीम्स होते हैं, जो आपके ख्वाब होते हैं, उसको पूरा करने के लिए आपको काम करना पड़ता है, सही है। तो आप कैसे उस सोच को प्रैक्टिकल कर सकते हो, आप जो सोच रहे हो वो आप कर डालो। मैं सोच रहा हूँ कि डॉक्टर बनूँगा और मैं फिर कर डालूँ उसे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा मकान बनाऊँगा और मैं फिर उसको कर डालूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कार खरीदूँगा और मैं उसे कर डालूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं आलिम बनूँगा और मैं उसे कर डालूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुरान पूरा सीख लूँगा और मैं उसे कर डालूँ। एक होती है सोच और एक होता है करना। ठीक है, तो आप जो सोचते हैं उसे कर डालें, इसे क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन। अच्छा, जब आप उसको करने के लिए काम शुरू करते हैं तो बड़े काम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेते हैं और उसको रोज़ाना की बुनियाद पर थोड़ा 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 करते चले जाते हैं। इन द लास्ट क्या होता है कि आप उस काम को पूरा कर डालते हैं। ठीक है, ये होता है डिसिप्लिन। अब कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें रोकती हैं, सही है। तो हमने बेशुमार चीज़ें पढ़ी, हाइट को स्टडी किया, इंटरनल आपका जो कॉन्शियस होता है उसको हमने स्टडी किया, शऊर को, लाशऊर को, सही है, और इसके अंदर जो लड़ाइयाँ हो रही होती हैं उसको भी हमने काफ़ी डिटेल के अंदर बात की। आज हम यहाँ पर आ गए बात करते हुए कि ये ऐसा हुआ क्यों हमसे, हम जो है वो ऐसे कैसे बन गए कि हम जो चाहते हैं वो नहीं करते। हम चाहते हैं कि हम मैथ में स्ट्रांग हो जाएं, मैथ में हमारा बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन हम करते नहीं, कर नहीं पाते। उसकी क्या वजह है, यानी जो प्लान हम अपने बारे में बनाते हैं कि हमें ऐसा करना है, हम उसको कर नहीं पाते, सही। इसकी वजूहात में से एक वजह ये भी है कि बात असल में ये है कि बचपन ही से ना हमको ये आदत डाली जाती है कि आप दूसरों की बात सुने। छोटे होते हैं हम तो हमें कहते हैं अब्बा की बात सुने, अम्मी की बात सुने, वो जो कह रही है वो माने। तो डिसिप्लिन का जो मामला है वो इंटरनल होने के बजाय क्या हो जाता है, एक्सटर्नल, यानी बाहर के लोग आपको जो बताते हैं बस आप वो करते जाते हैं, सही है। फिर यही सिलसिला स्कूल में आ जाता है। अब आप स्कूल में आते हो, स्कूल में भी आपसे क्या डिमांड होती है कि हम जैसा बोल रहे हैं ऐसा करें आप। तो आप अपने अंदर की सुनने के बजाय आपको क्या आदत हो जाती है, एक्सटर्नली आप जो है वो सुनते हैं लोगों की, वो क्या कह रहे हैं, टीचर ने बोला ये वाला काम फलाने दिन तक चेक कराना है, तो अब आप उसमें लग जाते हैं। अगर टीचर ने नहीं बोला है तो आप नहीं करते। इसका मतलब है आपका एक्शन की जो रिलेशनशिप हो जाती है वो बाहर से हो जाती है, यानी बाहर के लोग जो कह रहे हैं वो आप करना शुरू कर देते हो आहिस्ता आहिस्ता। इसका नतीजा क्या निकलता है कि आपके अंदर से जो आवाज़ आती है, आप अंदर से जो करना चाहते हो उस पर एक्शन लेना आप भूल जाते हो, या आप ट्रेन नहीं हो पाते। यानी आपकी कई सालों में, 10 साल, 12 साल, 13 साल, बाद लोगों के 20 साल, इस बात पर। अच्छा, फिर जब आप जॉब पे जाते हो तो वहाँ जॉब वाले जो है वो आपको बताते हैं ये करना आपको, आपको बाज़ाब्ता जॉब डिस्क्रिप्शन बताई जाती है, नंबर एक ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, तब आप वही करते हो, सही है। अच्छा देखिए, बचपन में आप माँ बाप को नहीं नहीं बोलते, लाजमी करते हैं। स्कूलों में पहुँचते हैं तो क्या बोलते हैं, टीचर को नहीं बोलते हैं। टीचर बोले भाई ये 3 सवाल घर से करके लाना, बोले नहीं सर हम नहीं करेंगे। बोला क्यों सर, कल हम जो ना खेलेंगे, हमारा मूड नहीं हो रहा पढ़ने में, वो नहीं बोल पाते आप। आपको क्या करना पड़ता है, करना पड़ता है। जॉब पे चले जाते हैं तो वहाँ बॉस कहता है, बॉस को बोल सकते हैं ये नहीं करूँगा मैं। आपके बॉडी को, मसल्स को, सही है, ये आदत पड़ जाती है कि वो चीज़ों को कैसे ले, एक्सटर्नली ले। अच्छा, जब आप इंटरनली सोचते हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो फिर आप अपने आप को ना बोलना सीख लेते हो, सही है। मिसाल के तौर पर आपको ये एहसास हुआ कि मेरी जो अलमारी है वो बड़ी मिस मैस हो गई है, बहुत गड़बड़ हो गई, मुझे इसको सही करना है,
सारे कपड़े सही करके लगाने, लेकिन आपको पता है आप अपने आप को मना कर देते हो, अरे भाई अभी मैं टीवी देख लूँ उसके बाद करूँगा। सही, तो आप क्या करते हो जो इंटरनली आपको चीज़ कह रही है कुछ करने के लिए, उसे आप, क्योंकि आपको ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग किसकी पड़ गई, एक्सटर्नली जो चीज़ मिलेगी उसे करना है। ये बात समझ, ये मसला पैदा इसलिए हुआ हमारे पास कि हम हर वक्त हर लम्हा जो कुछ कर रहे होते हैं वो हमारी अपनी सोच नहीं होती, हमारी अपनी ख्वाहिश नहीं होती, हमारा अपना प्लान नहीं होता, वो किसी ने हमें बताया होता है, किसी ने बोला होता है हमें कि करो और उसको हम फॉलो करते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि हम अगले 10 15 20 साल तक इसके इतने पक्के आदि हो जाते हैं कि हम सिर्फ वही काम करते हैं जो हमें बोला जाए, जो हमसे करवाया जाए, हम वो काम नहीं करते जो हमारा अपना है, जो हमारे अपने अंदर से निकलना हो, जो हमारी अपनी ख्वाहिशात हों, जो हमारी अपनी सोच हो, जो हमारी अपने ख्वाब हों, उसको इम्प्लीमेंट करना हम भूल जाते, सीखते नहीं, हमने वो एक्सरसाइज नहीं की अपने आप को आमादा करने की, अपने आइडिए पर काम करने की एक्सरसाइज हमने नहीं की। हम सारी ज़िंदगी क्या करते रहे, दूसरों के आइडिए पर काम करने की एक्सरसाइज करते रहे, उसकी हमको हो गई आदत। अब जब ज़िंदगी में ये वाली बात आई कि मेरे भी कुछ ख्वाब हैं, मुझे भी कुछ करना है, तो अब आपका आइडिया तो आ गया आपके पास, लेकिन उस आइडिए पर इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एक्शन चाहिए वो एक्शन आप आदि नहीं है इंटरनल डायरेक्शन से सोचकर। एक्सटर्नली तो आप आदि हैं, मतलब राय साहब अगर बोलेंगे तो कर लेंगे, अगर नहीं बोलेंगे तो खुद अगर चाहें, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ भाई आपके लिए तो एक्सरसाइज ज़रूरी है, अच्छा आपने बैठ कर सोचा हाँ ज़रूरी तो है एक्सरसाइज, अब आपने ख़ुद प्लान बनाया कि भाई मैं एक्सरसाइज करूँगा, लेकिन आप बोलेंगे मैं पीर से करूँगा, अगले पीर से फलाने दिन से शुरू करूँगा, क्योंकि ये आपका अपना ख्याल है और आप उस पर आमादा नहीं हो रहे। अच्छा अगर मैं आपको बोलूँ ना कल आपको आना है सबको शाम में 6 बजे, वहाँ पहुँचना है लाजमी, फिर अब आप जो है वो दूसरे दिन शाम में 6 बजे लाजमी हुआ क्या करेंगे, पहुँचेंगे। ये जो आप आ रहे हैं चल के, ये किसकी वजह से आ रहे हैं, एक्सटर्नल जो आपको कहा गया है। तो हमारा जो सिस्टम है ना लाइफ का पैटर्न वो अजीब हो जाता है, और ये होना भी ज़रूरी होता है क्योंकि बचपन में हमें लाजमी होता है कि हम बड़ों की बात माने, ज़रूरी होता है क्योंकि वो हमें ट्रेन करते हैं समाज के मुताल्लिक, वो हमें ट्रेन करते हैं अपने मज़हब के मुताल्लिक, वो हमें ट्रेन करते हैं हमारे कल्चर के मुताबिक। सही, इसी तरह स्कूलों में आते हैं तो वहाँ पर आपको लर्निंग चाहिए होती है, तो लर्निंग के लिए आपको ज़रूरी होता है कि आप उनकी बात सुने। सही, तो डिसिप्लिन का वो एस्पेक्ट जो एक्सटर्नली होता है उस पर प्रैक्टिस कर करके हम उसके यूज्ड हो जाते हैं, और डिसिप्लिन का वो एस्पेक्ट जो इंटरनली होता है, जो हमारी सोच होती है, हमारे आइडियाज़ होते हैं, क्योंकि हमने उसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया होता, उसकी कभी प्रैक्टिस नहीं की होती, लिहाजा उसकी हमें आदत नहीं होती, और फिर इसके नतीजे में रुकावटें आती हैं हमारे अंदर से। सही है, कुछ रोड ब्लॉक्स आना शुरू हो जाते हैं। सही, कुछ अंदर से झगड़े शुरू होने जाते हैं, आराम ज़्यादा अच्छा लगता है, काम ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, आपका दिमाग कुछ कह रहा होता है, आपके जज्बात फीलिंग्स कुछ और कह रही होती है। सही, दिमाग कहता है कि ये सही है और फीलिंग्स कहती है नहीं ये सही है, दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, जिसके नतीजे में आप इमोबिलाइज हो जाते हैं, यानी आप अमल नहीं करते, एक्शन नहीं ले पाते, बैठे रहते हैं बस सोचते रहते हैं। सही, तो ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इनको हमें अब और डिटेल में जाके पढ़ना है कि जो आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो आपको इमोबिलाइज करते हैं, जो आपको डिसिप्लिन इख्तियार करने नहीं देते, या जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी सोच है वो करने नहीं देते, उसमें जो आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो, उनकी बुनियाद क्या है, उनकी बुनियाद है बुनियादी तौर पर सम फेयर्स, कुछ खौफ हैं जो आपके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, ये खौफ दरअसल जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहा है ना डिफरेंट साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स के अंदर आपके, ठीक है, उसके पीछे अगर आप सोचें, मैं मिसाल देता हूँ, ठीक है भाई, मैं जो है वो लड़का हूँ,
बी में रहता हूँ, सही है। और पढ़ने जाता था ट्यूशन, वहाँ पे एक लड़की आती थी डिफेंस से, बहुत खूबसूरत, अब वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब ये मेरा क्या है, ये मेरे फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, ठीक है। अच्छा दिमाग क्या बोल रहा है, अरे भाई मैं यहाँ रहता हूँ, वो डिफेंस से आती है, क्या हम दोनों शादी कर सकते हैं आपस में, क्या उसको ला के मैं यहाँ डी में रख सकता हूँ। तो दिमाग क्या कह रहा है, इंटेलेक्ट आपका कह रहा है नहीं ये ठीक नहीं है, और आपकी फीलिंग्स क्या कह रही है कि ये करना है लाजमी, आप प्रपोज करने का सोच रहे हैं, उससे बात करने का सोच रहे हैं, ठीक है, उसके साथ बैठने के बारे में सोच रहे हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया आपके इंटेलेक्ट के अंदर और आपकी फीलिंग्स के अंदर, और ये कॉन्फ्लिक्ट क्या करेगा, ये आपको इमोबिलाइज करेगा, बहुत से दूसरे काम से भी आपको रुकेगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे भी दरअसल क्या होते हैं, कुछ फेयर्स होते हैं, कुछ खौफ होते हैं। आज की क्लास में हम उन खौफ का, उन फेयर्स का एक छोटा सा जायज़ा ले लेते हैं, फिर हमारी अगली क्लासेस एक एक खौफ को, एक एक फेयर को हम अलग अलग एनालाइज करेंगे कि वो कैसे हमारे इस डिसिप्लिन के प्रोग्राम को ख़त्म करता है। तो सबसे पहला जो खौफ आपके पास है वो है फेयर ऑफ फेलियर। फेयर ऑफ फेलियर, नाकाम हो जाने का खौफ आपको डिसिप्लिन इख्तियार करने नहीं देता, आपके इंटरनल एलिमेंट्स को कॉन्फ्लिक्ट का शिकार करता है, फेयर ऑफ फेलियर, ठीक है, हर एक में होता है। नाकाम हो जाने का खौफ, हार जाने का खौफ, सही। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे ये कहूँ, आप अपने बारे में ये सोचें कि मुझे एक बड़ा पॉलिटिशियन बनना है, फर्ज करें, ये आपका डिसिप्लिन है, ये आप चाहते हैं ये करना, ये आपका ख्वाब है, ड्रीम है कि आप एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं। अब आपने सोचा भाई पॉलिटिशियन बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, सबसे पहले ज़रूरी है कि मैं पब्लिक में बात कर पाऊँ, तो आपने ये प्लान बनाया है कि मैं रोज़ाना थोड़ा थोड़ा पब्लिक में बात करना शुरू करूँगा, तो शुरू करूँगा एक मिनट से, आज एक मिनट करूँगा, एक हफ्ते तक एक मिनट बात करूँगा, नए दोस्त बनाऊँगा, ये प्लान बना रहे हैं आप। अब जब आप इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, पहली बार जब आप किसी से बात करना चाहते हैं, शुरू करते हैं, ये पब्लिक में खड़े होते हैं एक मिनट के लिए, कौन सी चीज़ आपको वापस बिठा देती है, फेलियर का खौफ। आपको ऐसा लगता है आप का लोग मजाक उड़ाएंगे, सही है, आपको ऐसा लगता है कि आपको लोग जो है वो हर्ट करेंगे, और आप जो है वो अपनी, आप कामयाब नहीं होंगे इसमें, नाकाम हो जाओगे, फेल हो जाओगे। पहला जो खौफ होता है जो आपको डिसिप्लिन से रोकता है, आपने जो सोच रखा है उसको करने से रोकता है, उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, फेयर ऑफ फेलियर। अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, क्या होता है, क्यों डेवलप होता है, हम इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, और कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो हम एक्सरसाइजेज करेंगे क्लासरूम के अंदर कि जिससे फेयर ऑफ फेलियर जो है वो आपका ख़त्म हो। दूसरा फेयर ऑफ सक्सेस, अजीब बात है ये, फेयर ऑफ फेलियर तो समझ में आता है, लेकिन आप हैरान होते हैं कामयाब होने का भी खौफ होता है, कहीं मैं कामयाब ना हो जाऊं, सही है, जब मैं कामयाब हो जाऊंगा सारे लोग मुझे देखेंगे, मुझे अजीब सा लगेगा, ठीक है, मैं चैंपियन बन जाऊंगा तो क्या होगा, मीडिया मेरे पीछे आएगा, तो मशहूर शख्सियत हो जाऊंगा, मेरे को डर लग रहा है मशहूर नहीं होऊंगा मैं, समझ में आ रही बात, ये कामयाब होने का भी एक फेयर होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये मैं इससे गुजरा हूँ, बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है, सही है।
मतलब क्लासरूम में आप बैठे हुए हैं, आपको पता है कि ये जो बात चल रही है इसमें जो नुक्ता है ये मुझे आता है, मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा, अगर मैंने बताया तो पूरी क्लास जो है वो क्या समझेगी कि मैं सबसे ज़्यादा समझदार आदमी हूँ और मैं इससे बचना चाहता हूँ। अच्छा, कुछ लोग क्या चाहते हैं, चाहते हैं वो मशहूर होना, फेमस होना, लेकिन कुछ लोगों को फेमस होने का भी खौफ होता, डर होता, कहते हम छुपे रहें, हमारे बारे में किसी को पता ना चले। वो अगर तहरीरें भी लिखते हैं ना तो नाम बदल के लिखते हैं, वो अगर कहीं बयान करते हैं या बोलते हैं तो अपनी तस्वीर में वीडियो नहीं लगाते, ऑडियो लगाते। उनको इस बात का खौफ होता है कि वो सक्सेस ना हो जाए, उनमें कामयाबी ना आ जाए। सही है, मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें अजीब बात उसने लिखी थी कि हम ग़ुलाम कौम रहे हैं ना, काफ़ी साल तक ग़ुलाम रहे हैं, तो ग़ुलाम रह 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 के हमें ग़ुलाम रहने की आदत पड़ जाती है और हमारे अंदर फेयर ऑफ फ्रीडम डेवलप हो जाता है। फेयर ऑफ फ्रीडम का मतलब आज़ाद होने का खौफ। आपको पता है जो पूरी हिस्ट्री के अंदर इंसान ने इंसान को ग़ुलाम बनाया है, ज़्यादातर ब्लैक जो लोग थे उनको वाइट लोगों ने क्या क्या है, ग़ुलाम बना के रखा है, ठीक है, स्लेवरी का कॉन्सेप्ट रहा है हमारे, तो वो जो ग़ुलाम बना के रखते थे तो ग़ुलाम अपने आप को बड़ा अच्छा समझता था, खाना भी मुझे ये देगा, कपड़े भी मुझे ये देगा, मेरे रहने का इंतज़ाम भी ये करेगा, मेरी देखभाल भी ये करेगा, बस मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके काम करने पड़ेंगे, वो इसमें मुतमईन हो गए। अच्छा, जब अमेरिका में ये तहरीक चली कि ग़ुलामों को आज़ाद किया जाए तो आप हैरान होंगे उस तहरीक की मुखालफत करने वाले लोग क्या कहते थे पता है, भाई ये ग़ुलाम आज़ाद होंगे तो मर जाएंगे, ये खुद कैसे रह पाएंगे, खुद ग़ुलाम कहते थे हमें आज़ाद मत करो, क्योंकि अगर हम आज़ाद हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, हमारा तो घर ही नहीं है, हम खाना पकाने ही नहीं जानते, हमें तो पता ही नहीं चलेगा खाएंगे कमाएंगे कैसे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं आएंगे, हमें कपड़े कौन बना के देगा, तो उनको क्या चीज़ रोक रही है आज़ाद होने से, फेयर ऑफ फ्रीडम। हमें और आपको भी है, हमारे यहाँ कभी आप गौर करना, लड़के लड़की की शादी कर देते हैं घर में तो एक ही घर में रह रहे हैं, लड़ रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, एक दूसरे के साथ खड्डा कर रहे हैं, अलग नहीं हो रहे, अलग क्यों नहीं हो रहे, पता आपको अलग क्यों नहीं हो रहे, फेयर ऑफ फ्रीडम है, उन्होंने ज़िंदगी कभी अलग होकर उससे फैसले कर गुजारी नहीं, हमेशा किसकी बात सुनी है, अब्बा की अम्मा की, तो उनको डर होता है हम जब अलग हो जाएंगे तो क्या होगा, कैसे रहेंगे। तो जिस तरह फेयर ऑफ फ्रीडम होता है आपके अंदर, ख़ास तौर पर ग़ुलाम कौमों में बहुत है, हमें तो ये इस पर अलग से पूरा लेक्चर बनाना चाहिए कि ये फ्रीडम जो है ये है क्या और इसको आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इसी तरह से होता है फेयर ऑफ सक्सेस, आप कामयाब होने से भी डरते हैं, सबके सामने निकलकर एक आदमी बनने में भी आपको डर लगता है, समझ में आ रही बात आपको। अभी हम अपने एक क्लास ले रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं आलिम होने का, तो उसमें यही है कि मतलब अगर आप आलिम हो जाएंगे तो क्या होगा, आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी, सही है, आप लोगों की रहनुमाई करेंगे किसी डायरेक्शन में। तो बहुत से लोगों ने बोला सर हमको रहनुमा नहीं बनना है, हम तो इसलिए आलिम का कोर्स कर रहे हैं कि जन्नत में चले जाएं, तो उनको किस चीज़ का फेयर है, सक्सेस का, लीडर बनना नहीं चाहते, वो इसलिए नहीं पढ़ रहे कि वो लीडरशिप इख्तियार करें, उनको खुदा ने ये सलाहियत दी है, ज़हन दिया, अकल दी है कि वो रिलीजन को समझ पाएँ, उसकी तशरीह कर पाएँ और लोगों को लीड कर पाएँ, तो वो लीड करने से खौफज़दा हैं और क्या कह रहे हैं कि हमें लीड वीट के वजह से हम नहीं आए, हम तो किस लिए आए कि हम बस पढ़ें और हमको अल्लाह ने जन्नत में भेज दें, दैट्स इट।
तो ये फेयर ऑफ सक्सेस भी जो है वो आपके अंदर आपको डिसिप्लिन करने से रोकता है, आपको अपने ड्रीम्स पर काम करने से रोकता है। तीसरी चीज़ है फेयर ऑफ रिजेक्शन, फेयर ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, रिजेक्शन का खौफ। ये फेलियर और रिजेक्शन बज़ाहिर एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा फेलियर अलग है और रिजेक्शन अलग है। रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि आपको रिजेक्ट कर दिया। आप अपने आप को समझ रहे थे कि आप अहल हो, लेकिन आपको बोला नहीं, आप नहीं हो अहल। सही है, आपको उन्होंने ठुकरा दिया, आपकी जगह किसी दूसरे को अपॉइंट कर लिया। तो ये जो रिजेक्शन का जो एहसास होता है ना, ये बड़ा जानलेवा होता है। बात जहन में डाल लें आप, रिजेक्शन का एहसास आदमी को साइकोलॉजिकली बिल्कुल अंदर से तोड़ फोड़ देता है। सही है, मैं आपके क्लास के अंदर एक ही गलती करने वाले दो बच्चे, एक ही गलती की दोनों ने, एक को सही से पिटाई लगा दूँ, डांट दूँ, और एक को बोलूँ जाओ बैठ जाओ, मैं ऐसा करूँ, एक को खूब कान मरोड़ दूँ उसके सही से, और एक को बोलूँ बैठा आप बैठ जाओ, अब क्या होगा? जिसके कान मरोड़े हैं आपका ख्याल है वो बिल्कुल रिलैक्स रहेगा? नहीं, उसके अंदर एक पूरा जहन जो है ना उसका इंतशार का शिकार हो जाएगा। बोलेगा यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? सही है, यहाँ रिजेक्शन भी है और यहाँ पर बदकिस्मती का रोना भी है, ज़्यादती भी है, जुल्म भी है, उसको जुल्म ले रहा है। सही है, बाज़ औक़ात दो लड़के होते हैं ना, किसी एक ही लड़की को प्रपोज़ करते हैं, तो लड़की क्या करती है, उसमें से किसी एक का प्रपोज़ल कबूल कर लेती है। जिसका प्रपोज़ल कबूल कर लेती है वो तो बहुत खुश होता है, और जिसका प्रपोज़ल कबूल नहीं होता उसके साथ क्या मामला होता है? उसका मसला ये होता है मुझे रिजेक्ट क्यों किया, उसको रिजेक्शन का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अच्छा, उस प्रॉब्लम के बाद आपकी पूरी साइकी डिस्टर्ब हो जाती है, आपका पूरा जो इंटरनल सिस्टम होता है ना, सोचने का, एहसास करने का, गम को फील करने का, वो एकदम सेंसिटिव स्टेज पर आ जाता है। तो इससे लोग डरते हैं, इससे लोग क्या कहीं हमें रिजेक्ट ना कर दे, उस रिजेक्शन के खौफ को, क्योंकि या उस रिजेक्शन के एहसास को हम हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए एक काम करते हैं, ऐसा काम ही नहीं करते जहां रिजेक्ट होने का मौका हो, उससे दूर ही रहते हैं। समझ में आ रही बात आपको? तो फेयर ऑफ रिजेक्शन नंबर तीन, और नंबर चार फेयर ऑफ मीडियोक्रिटी। मीडियोक्रिटी का फेयर से क्या मुराद है? आप जो है वो को आसान अल्फाज में बोले, आपको गुम होने का खौफ हो गया। गुम होने का खौफ का मतलब ये होता है कि आप जब क्लास में बैठते हैं तो चार पांच दिन ही के बाद आप सबसे नुमाया हो जाते हैं। नुमाया का मतलब समझ रहे हैं आप, यानी आपके होने का सबको पता चल जाता है, यार यहाँ कोई ना कोई है ऐसा। यह हर एक में होता है ना, हमें सराहा जाए, हमें माना जाए। सही है, हम इम्पॉर्टेंट हैं, हमें इम्पॉर्टेंसी दी जाए, ये सब चाहते हैं। और जब आपको इम्पॉर्टेंसी ना मिले तो आपको, हम ये कहते हैं आप गुम हो गए, आप अननोन हैं, कोई आपको इम्पॉर्टेंसी नहीं दे रहा। तो इम्पॉर्टेंसी ना मिलने से भी
हमारे अंदर साइकोलॉजिकल डिप्रेशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है। सही है, मैं आम कैसे रहूँगा, मुझे तो सब में क्या रहना है, खास मशहूर होना अलग चीज़ है लेकिन मुझे आम नहीं रहना। ठीक है, उसके लिए आप पढ़ते हैं, उसके लिए काम करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। सही है, तो मैं अपने ग्रुप में अपने लोगों में गुम ना हो जाऊं। सही है, इसका भी एक खौफ होता है आपको। ठीक है, हम इसको और डिटेल में अभी पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ हेडिंग पढ़ रहे हैं। और नंबर 5, फेयर ऑफ रिस्क, रिस्क लेने से डरना। सही है, रिस्क लेने का मतलब ये है कि जिसमें नफ़ा और नुकसान 50-50 हो, उसमें आप डरते हैं कि ये काम करें या ना करें। सही है, इस बात का इम्कान है कि नुकसान भी हो सकता है, इस बात का इम्कान है कि फ़ायदा भी हो सकता है। तो आप फ़ायदे को नज़रअंदाज करके वो जो 50% नुकसान है, उस नुकसान के डर से आप काम नहीं करते। तो हम कहते हैं ये जो आपका फेयर है, ये जो खौफ है आपके अंदर, ये दरअसल क्या है, रिस्क लेने का खौफ है, रिस्क नहीं लेते आप। सही है, रिस्क लेने का मतलब यही होता है कि आप नफ़ा और नुकसान से लातअल्लुक़ होकर किसी काम को अंजाम देने की कोशिश करें, फ़ायदा और नुकसान से भूल जाएं कि फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। ठीक है, या नुकसान के बावजूद आपके जहन में कि नुकसान हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद आप क्या करेंगे, रिस्क लेंगे। मिसाल के तौर पर आप स्लाइड पे चढ़ गए, वाटर स्लाइड पे, और आपको स्लाइड लेनी है, तो आप स्लाइड पे लेके नहीं ले रहे आप स्लाइड, क्यों नहीं ले रहे आप स्लाइड, आपको क्या लग रहा है कि अगर मैं नीचे गया तो नीचे तक पहुँचते पहुँचते क्या होगा, मेरा इंतकाल हो जाएगा। लेकिन आप सबको देख रहे हैं, सब आ रहे हैं, किसी का इंतकाल नहीं हो रहा। अब आपके जहन में क्या आइडिया आ रहा है कि भाई 90% तो चांसेस है कुछ नहीं होगा, लेकिन 10% होने का चांस, तो 10% होने के चांस और 90% ना होने के चांस के बावजूद आप 10% को अहमियत दे रहे हैं, इसका मतलब आप रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपको ये बोला ना 100% चांस है कि कुछ नहीं होगा आपको, तो आप बोले नहीं, आप जो 100% कह रहे हो आपका होगा 100%, मेरे जहन में 50-50 है, तो मैं तो नहीं ले रहा चांस। सही है, तो इसको हम कहते हैं फेयर ऑफ रिस्क। याद रखिए, डिसिप्लिन इख्तियार करने के लिए, अपने ख्वाबों तक पहुंचने के लिए, अपने ख्वाबों तक पहुंचने के लिए, अपने ड्रीम्स को ट्रू बनाने के लिए रिस्क लेना इंतहाई ज़रूरी होता है। बग़ैर रिस्क लिए तो ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई आदमी अपने ख्वाब पूरे कर ले। अभी वो कहानी पढ़ रहे हैं ना हम लोग, चरवाहे वाली, अल्केमिस्ट, देखो कितना बड़ा रिस्क लिया उसने, उसे सारी भेड़े बेच दी अपनी, वो भेड़े बेच के दूसरे मुल्क चला गया। ये क्या है, रिस्क है, रिस्क क्या होगा वहाँ। अच्छा फिर आपने देखा उसकी, उसके पैसे भी निकल गए सारे, जेब कट गई उसकी, लूट के ले गया एक आदमी, अब वहाँ कहाँ खड़ा है वो। तो रिस्क लेने वाले आगे बढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि रिस्क लेने का क्या होता है, फेयर होता है, तो आगे बढ़ने नहीं देता वो आपको, आपके डिसिप्लिन को पूरा करने से रोकना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ रखते हैं। अब इंशाल्लाह अगले वीक में जो 2 क्लासेस हमारी हैं, उसमें हम कोशिश करेंगे फेयर ऑफ फेलियर को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में अंदर जाके इंसान की जो सोच है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, उन सबको हम डिटेल में जाके देखेंगे।